हेलो डियर स्टूडेंट, आज असी प्लस वन जमात के नावल मड़ी का दीवा जो कि गुरदयाल सिंह जी की शाहकार रचना है संबंधी जानकारी हासिल करांगे। बेटा, इस नावल विच कुल 16 कांड हैं ते आज असी कांड नंबर 1 दे पन्ना नंबर 7 अते पन्ना नंबर 8 दी रीडिंग करनी है। पर सब तो पहला मैं तुहानू कांड नंबर 1 दे सार बारे संखेप विच दसांगी ते नाल ही कांड विच जो पात्रां दा जिक्र आया है उन्हां बारे भी जानकारी देवांगी। हाँ जी बेटा, पहला पात्र है ठोला जो कि इस नावल का महत्वपूर्ण पात्र है। उसकी पत्नी का नाम नंदी है जो कि सांसियां दी धी सी। उसका एक पुत्र है जिसका नाम जगसीर है ते उसकी उम्र लगभग 45 साल है। उस दीआं चार धीआं हन। इस कांड विच एक सहायक पात्र भी आया है सूटी जो कि नंदी की गुआंढण है। हुण कांड के आरंभ में असीं वेखते हाँ कि नंदी अपने वेड़े विच बैठी हुई सी ते उसनूं झौला जिहा पैंदा है कि उसकी गुआंढण सूटी दे घरों कोई आदमी बाहर निकलिया है, इसलिए वह छेती नाल अपनी डंगोरी चुकदी है ते सूटी दे घर चले जाती है। जदों सूटी नंदी नूं आउंदे वेखदी है तां उस समय वह मुस्कड़िए हसदिया होया हौली जी उस दे लई बुरे शब्द बोलती है, आउंदी है कचील कचील जिवें उसनूं भैड़े शब्दां नाल संबोधित करती है ते नाल ही उसदे पैरी पैना करती है। सूटी उस समय उसनूं असीसां दिंदी है ते पुछदी है कि अज कोई परौणा आया सी। तां नंदी दी इस गल दा जवाब दिंदे हुए सूटी उसनूं आखदी है कि उसदी भूआ दा पुत अपनी वड्डी धी दे रिश्ते लई कुद्दे दा मुंडा वेखण आया सी। यह सुन के नंदी उसनूं अपने पुत्र जगसीर का रिश्ता करवाउण लई भी आखदी है, पर सूटी अगों घड़िया घड़ाया जवाब दिंदे कहिंदी है कि उह जिथे किते भी जगसीर दे रिश्ते की गल करदी है लोग उसकी वडेरी उम्र का हवाला दे के इनकार कर देंदे हन। तां नंदी अपने मन की पड़ास कढ़न लग पैंदी है कि उसका पुत्र किते 90 हो गया है, लोगों के 70-72 विआहे जांदे हन, उह बाहले सोहणे हुंदे आ। जदों सूटी नंदी नूं अजिहियां गल्लां करदे वेखदी है तो उस कोलों खहिड़ा छडाउण लई अपने कामकाज विच घर दे कामकाज विच रुझ जांदी है। इस तरह नंदी सूटी दा जदों अजिहा रुख वेखदी है अजिहा वतीरा वेखदी है तो अपने घरों बाहर निकल आउंदी है, सॉरी उह सूटी दे घरों बाहर आ जांदी है ते हौली हौली कंध दा सहारा लै के अपनी डंगोरी आसरे अपने घर आ जांदी है ते रब नूं उलामे देने शुरू कर दिंदी है कि खबरे साडा की भुन के बीजिया सी। कहिंदे हन कि बारी बारी भी रूड़ी दी भी सुनी जांदी है, पर साडी ते किसे ने 20 वरियां पिछों भी ना सुनी कि रब नूं उलामे दिंदी है कि उसदा पुत्तर जो है उसदा अजे तक रिश्ता क्यों नहीं होया, उसदा विआह क्यों नहीं होया। असल विच की सी, जो नंदी सी उसने सुखा सुख सुख के चार धीआं पिछों एक पुत खटिया सी ते उह समझदी है कि उसदा जग दे नाल सीर पै गया, जग नाल उहदा नाता जुड़ गया है, इसलिए वह अपने पुत्र दा नाम जगसीर रख दिंदी है। पर जगसीर जिसकी उम्र लगभग 42 साल हो गई सी ते उसदा अजे तक विआह नहीं होया सी। इत्थों तक कि नंदी जदों उसदा पति ठोला जिउंदा भी सी उसने अपने पति दे बथेरे तरले कीते सी कि वह किसी नूं चार छिल्लड़ दे के अपने पुत्र का विआह कर देवे, मतलब पैसा धेला लै दे के विआह कर देवे। पर ठोले ने कदे उसकी इस गल वल ध्यान ही ना दिता। तो इस तरह जदों भी कितें जगसीर दे लई कोई रिश्ता आउंदा सी ते एक कारण यह भी सी कि उसका रिश्ता क्यों सिरे नहीं सी चढ़दा, क्योंकि नंदी पेकियां वारी सी। पेकियां वारी सी मतलब कि उसके पेकियां दे नाल उसका कोई नाता नहीं रहा सी, क्योंकि उसने ठोले दे नाल अपने परिवार वालियां दे विरुद्ध जाके विआह करवाया सी ते उसके प्यो ने उस समय तो ही नंदी दे नाल अपना नाता तोड़ दिता सी। इस तरह मंजे ते लम्मी पई हुई नंदी अपने पुराने दिनां नूं याद करती है ते आथण वेला हो जांदा है, शाम वेला हो जांदा है ते जदों शाम वेले जगसीर घर आउंदा है तो अपनी बेबे नूं आखदा है कि बेबे अज वर्त रखण दा इरादा है,
ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਾ ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੌਂਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਰਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਲ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਬੇ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੰਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜਗਸੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਗਸੀਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੰਦੀ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੰਦੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾੜੀ ਜਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨੰਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਠਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਜਗਸੀਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਠਿਆਨੀ, ਅਠਿਆਨੀ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ 50 ਪੈਸੇ, ਇੱਕ ਅਠਿਆਨੀ ਦੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਠਿਆਨੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਲੈ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, 1 ਰੁਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਖੱਫਣ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਗਸੀਰ ਨੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਫੜ ਕੇ ਹੱਟੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਡ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜੋ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਵਰਡ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਚੌਲਾ ਪਿਆ, ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਦਿਸਿਆ, ਚਿੱਤ ਕਾਹਲਾ ਪੈਣਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਡੰਗੋਰੀ, ਸੋਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਦੇਖੋ ਸੈਨਤ, ਇਸ਼ਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਲਿਸ਼ਕੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਤਕ ਲਿਸ਼ਕੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਲਿਸ਼ਕੀਆਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੀ, ਮਿੰਨਤ ਕਰਨਾ ਤਰਲੇ ਕਰਨਾ। ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਕੋਹੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ। ਘਰ ਵਸਾ ਤੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਬੰਨ ਸੁੱਭ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ, ਬੰਨ ਸੁੱਭ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਹਾਸੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਵਿਹੜੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਠੱਠੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਠੱਠੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਵਰਡ ਹੈ ਪਤਿਆਉਰਿਆਂ, ਪਤਿਆਉਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਹੁਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਹਾਣੀ, ਹਮ ਉਮਰ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਟੁੱਕ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਟੁੱਕ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵੱਸ ਜਾਵੇ। ਨੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਫਾਨਾ ਫਸਾ ਬੈਂਦੇ, ਫਾਨਾ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਬੈਂਦੇ, ਅੜਿੱਕਾ ਡਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਸੱਤਰੇ ਬਹੱਤਰੇ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਜ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 7 ਦੀ। ਨੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਚੌਲਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੂਟੀ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥਾਈ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਗੋਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਸੂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਨੰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਟੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਤੋਂ ਡੰਗੋਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਝੀਲ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨੰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕੜੀਏ ਹੱਸਦਿਆਂ ਸੂਟੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ ਬੋਲੀ ਪੈਰੀਂ ਪੈਨੀ ਹੈ ਅੰਬੋ। ਸੂਟੀ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀੜੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਹ ਕੇ
नंदी नूं बैठण लई सैनत करदिआं मुड़ भांडे मांजण लग पई। जदों सूटी नंदी नूं आउंदे वेखदी है तो उस लई बुरे शब्दां दा प्रयोग करदी है, कचील। मतलब उह नहीं चाहुंदी सी कि नंदी उस दे घर आवे, पर फिर उच्ची देने यह भी गल आख दिंदी कि पैरी पैनी है अंबो। हुण उच्ची देने क्यों बोलदी है? क्योंकि नंदी नूं उच्चा सुणदा सी ते नाल ही पीड़ी डा के नंदी नूं बैठण लई दिंदी है। बुढ सुहागण तेरे बच्चे ज्यों तेरे वीर ज्यों, पीड़ी ते बहिंदिआं नंदी असीसां दिंदी रही। फिर उहने डंगोरी पासे रख के ते मूँह सूटी दे नेड़े करके हौली जिही पुछिआ, कोई परौणा आया अज्ज? आहो, सूटी ने उच्ची सारी जवाब दिता, मेरी भूआ दा पुत है खानिओ। जदों नंदी उसनूं असीसां दिंदी है कि बुढ सुहागणो तेरे पति की उम्र लंबी होवे, बच्चे ज्यौन वीर ज्यौन, तो नाल ही उसने यह पुछदी कि कोई परौणा आया सी अज्ज? फिर सूटी उसनूं दसदी कि उसकी भूआ का पुत आया सी। किवें सुख नाल ही आया? आहो, घुद्दे का मुंडा वेखण आया है, वड्डी कुड़ी सुख नाल मुटियार है। नंदी चुप कर गई। उहदियां निक्कियां निक्कियां अखां एक बार रता कलिशकियां, पर मुड़ धुंध लुके तारियां वांग मद्धम पै गईआं। कुड़े पुत, कुछ चिर पिछों नंदी इंज बोली जिवें सूटी दी मिन्नत कर रही करदी होवे, तू सुख नाल बारी बारी कोहीं जा के लोकां दे घर वसाते, कोई आप दे दियोर दा वी बन सुभ करा दिंदी। जदों उसनूं पता लगदा है कि उसदी भूआ दा पुत अपनी वड्डी धी दे रिश्ते लई घुद्दे दा मुंडा वेखण आया सी, तो फिर जगसीर दे रिश्ते दी वी गल छेड़ लैंदी है। सूटी दी मल्लो मल्ली हासी निकल गई, पर नंदी तो मूँह लुकाउण लई उस मुड़का पूंजन दे बहाने घुंड खिच के मूँह पूंज लिया। बहुती हासी सूटी नूं दियोर शब्द सुन के आई। नंदी ने वेड़े दी किसे वहुटी कोल कदे अपने जगसीर नूं तेरा जेठ नहीं सी आख्या, पर उंज पुराणियां ते नवीआं विआहियां सारियां ही जाणदियां सन कि उहदा जगसीर कईआं दे सहुरिआं पत्यौरिआं दा हाणी सी। हुण सूटी जदों नंदी अपने पुत्तर बारे आखदी अपने दियोर दा बन सुभ करा दे, जदों सूटी नंदी दे मूँहों दियोर शब्द सुनदी है तो उसका हासा निकल जाता, तो अपने आप अपना हासा लुकाउण लई अपना पसीना पूंजन दे बहाने अपना कुंड चुन्नी दा जिहड़ा पल्ला सी कुंड खिच के मूँह पूंजन लग पैंदी है। असल विच की सी, जगसीर दी उम्र 42 साल सी, ते पर नंदी ने कदे भी किसी भी अपने वेहड़े की अपने ठट्ठी की अपने मुहल्ले की किसी भी वोटी को यह नहीं आख्या सी कि तेरा जेठ, हमेशा ही उसनों दियोर शब्द ही आखती सी जो किसी वोटी नाल गल करती सी, जबकि सारिया नवीं व्याईया पुरानी व्याईया सारिया जानदियां सन कि जगसीर की उम्र काफ़ी ज़्यादा है तो उन्होंने सहुरिया पत्यौरिया का हानी है। मैं तो बथेरे तरले मार दी हाँ बई, आपदे किसी भैन भाई का घर भैन भाई के घर टुक पक्कन लग जाए, पर कोई औंतरा नाक ही नहीं दिंदा, नाक ही नहीं करता। सूटी ने घड़िया घड़ाया जवाब दिंदिया कहा, जिन्हों आखीद अगों उम्र का फाना वसा पैंदा। हुण जो सूटी उसनों घड़ के जवाब दे दिंदी है कि वह बथेरे तरले करती है लोगों के, किस गल दी? जगसीर दे रिश्ते लई। कहिंदी पर कोई औंतरा नाक ही नहीं करता, कोई ध्यान ही नहीं दिंदा, तो जिसनों आखती भी है अगों उम्र का फाना वसा देंदे है, पर उसकी वडेरी उम्र का हवाला दे के इनकार कर देंगे है। खबरे लोग की सजाए जवाक पाल दी है, उम्र नू की वह 90 का हो गया है। कुत्ते की बीमारी वेले का जरम है, लोगों के जेडे 70-72 व्याए जाते हैं वह बाले सोहने होंगे है। फिर नंदी उस समय अपने मन की पढ़ास ही कढ़ती है कि खबरे लोग की सजाए जवाक पाल दी है कि लोग पता नहीं कि छोटी उम्र के मुंडे लभदे ने, उम्र नू की वह 90 का हो गया है कि उसके पुत्र की उम्र कितने 90 साल हो गई है। कुत्ते की बीमारी वेले का जरम है, जरम इतने बेटा मतलब जिमें कीटाणु, कि जिमें कुत्ते बीमारी लगन जो कीटाणु जर्म पैदा होंगे ने, ठीक है, उन्होंने उम्र जिमें घट होंगी है, इस तरह कहती मेरे पुत्र जोड़ा उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। लोगों के जोड़े 70-72 व्याए जाते हैं कि जोड़े वडेरी उम्र के व्याए जाते ज़्यादा सोहने होंगे। नैक्सट पेज हूँ बेटा, पेज नंबर 8, पहले असं इसके वर्ड मीनिंग लिखा। गोहे पाथियाँ,
नैक्सट वर्ड है दिन छिपे तक, सूरज छिपन तक। नैक्सट वर्ड अक्कियां पईयां, परेशान होईयां। पल्ला छुडाउण, खहड़ा छुडाउण। वतीरा, विवहार। नैक्सट वर्ड देखो सुन्ने, सुन्ने घर मतलब खाली घर। चुभवियां गल्लां, चुभवियां गल्लां मतलब दिल नूं दुखी करन वालियां गल्लां। मश्करियां, मजाक। नैक्सट वर्ड है चित भैड़ा पै जांदा, मन दुखी होना। बिंद झट, बिंद झट मतलब थोड़ा समा। नैक्सट बेटा वर्ड है सिव्यां, मड़ियां, शमशान भूमि। वर्ड है रुख, वतीरा, विवहार। नैक्सट वर्ड दिहली, दिहली दहलीज। नैक्सट वर्ड बेटा तग्गे, तग्गे गहने। नैक्सट वर्ड है चौला, चौला दिसन लग पिया, धुंधला धुंधला दिखाई देन लग पिया। नैक्सट बेटा वर्ड है अपना आप बोचदियां, अपना आप बोचदियां, अपना आप संभालदियां। नैक्सट वर्ड बेटा साह सत निकल गया होवे, साह सत निकलना जान ही निकल जानी। नैक्सट वर्ड आप मुहारी, अपने आप, खुद ही। नैक्सट बेटा वर्ड ढोमेल, ढोमेल ही बना दिंदा, ढोमेल कोई सबब बना दिंदा। ठीक है, हुण इत्थे वर्ड आया बेटा बारी वरी, रूड़ी दी भी सुनी जांदी है, एक अखाण है। इसका अर्थ है कि इंसान दे माड़े हालात जो हमेशा नहीं रहिंदे, कदे ना कदे ते तब्दीली जरूर आउंदी है। ठीक है, हुण इत्थे वर्ड डाढ़िया, डाढ़िया शब्द परमात्मा लई वरत्या गया है। ठीक है बेटा, इत्थे तक असीं रीडिंग करांगे। ओके, नैक्सट रीडिंग है बेटा पेज नंबर 8 दी। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਹੈ ਅੰਬੋ। ਨੰਦੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿੰਦ ਦਾ ਬਿੰਦ ਲਿਸ਼ਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਮਰ ਦਾ ਫਾਨਾ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਨੰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਟੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੱਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ, ਸੂਟੀ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਟੋਕਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਲ ਤਰਨ ਲਈ ਗੋਹੇ ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਾਥੀਆਂ ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੁੜ ਨੰਦੀ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਛਿਪੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਨੰਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਬਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜੀ ਰੱਖਦੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜੀ ਰੱਖਦੀ? ਜਗਸੀਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਉਤੋਂ ਅੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਗਸੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਉਸਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲ ਜੋ ਸੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਨੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘਰ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੰਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਰ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਭਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਭੈੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਿੰਦ ਝੱਟ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਸਿਵਿਆਂ ਵਰਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਨੰਦੀ ਜੋ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕੀ, ਖਾਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਧਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਭਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਸੁਣਦੀ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੂਟੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਿੰਦਕ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜੋਤੀ ਅਤੇ ਡੰਗੋਰੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਨੇ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ, ਰਾਮ ਤੂੰ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਟੀ ਦੀ ਦਿਹਲੀ ਟੱਪਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਸੂਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਸਨ
जिहड़े उस किन्ने वारी पहला उदों सुने सन जदों उसनू चंगा सुनदा हुंदा सी। भाल दी इत्थों डोले, फिर तां जाने दी तग्गे करा के पाऊगी डोले उतर दी नूह नूं। हुण जदों सूटी दा किहड़ा वतीरा वेखदी कि उह सूटी नहीं चाहुंदी सी कि नंदी उसदे कोल बैठी रहे। अजिहा वतीरा वेख के नंदी विचारी अपनी डंगोरी चुक के ते सूटी दे घरों निकल तुरदी है। जदों असी दहलीज टप्पण लगती है घर की, तो उसनू उही शब्द सुनाई देंदे सन जिहड़े उसने पहला भी कई बार सुने सन जदों उसनू चंगा सुनदा सी। कि आखदी है सूटी, भालदी है इत्थों डोले, मतलब रिश्ते भालदी है, कौन नंदी, फिर तो जाने की तगे करा के पाऊगी डोलियों उतर दी नूह नूं। कि जिवें नंदी ने जदों असी नूह डोलियों उतरेगी उसनू गहने पाने आउण। नंदी नूं होर झौला झौला दिसन लग पिया, उहदी कुब्बी पिठ विच पीड़ होण लग पई। कंध नाल खब्बा हथ घसाउंदिआं ते सज्जे नाल डंगोरी सहारे अपना आप बोझदिआं उह हौली हौली तुरन लग पई। घर आ के इंज मंजी उत्ते डिग पई जिवें उहदे अंगां विचों उक्का ही साह सत निकल गया होवे। हे राम, उस फिर एक लम्मा हौका लिया ते आप मुहारी इंज बोलन लग पई जिवें किसी नाल गल्लां करदी होवे। फिर जदों नंदी कंध का सहारा लैके डंगोरी का सहारा लैके अपने घर आती है, बेचारी इस तरह मंजी ते आके डिग जाती जिवें उहदा साह सत निकल गया होवे, जिवें उसकी जान ही निकल गई होवे। परमात्मा नूं याद करदे आ फिर आप मुहारी बोलन लग पैंदी है, उलामे देने शुरू कर दिंदी रब नूं। जिवें जाए खाणिया कोई घोड़ियां जोड़ियां तां नहीं सी मंगियां, किसी अन्नी काणी का ढो मेल ही बना दिंदा। भी वरे हो गए मार कोई कसर छड़ी है मैं, खूह ही टोबी पैण दी, पुत पिट्टा ना कोई देवी द्योता बहुड़िया, ना किसी पीर फकीर ने सुनी, खबरे साडा की भुन के बीजिया सी, अके बारी वरी रूड़ी दी भी सुनी जांदी है, पर साडी तां किसी औंतरे ने वीहां वरियां पिछों भी ना सुनी। लोकां दे सत सत व्याहे गए पर मेरा इको नेर वे डाढ़िया नेर। हुण इत्थे जिवें रब दे नाल रब नूं उलामा दे रही है, कहिंदी मैं कोई घोड़ियां जोड़ियां तां नहीं सी मंगियां, जरूरी नहीं सी कि मेरे पुत्र नूं कोई चंगी जी कुड़ी दा रिश्ता हो जांदा, कोई अन्नी काणी दा ढोल मेल बना दिंदा। कहिंदे 20 वरे हो गए उस विचारी नूं, मतलब खूह ही टोबी पहन दी, पीरां फकीरां दे जान दी, देवी देवतियां दे अगे नक मत्था रगड़दे, पर कहिंदी मेरी किसे ने नहीं सुनी, खबरे साडा की पुन के बीजिया सी। भुन के बीजा, हुण देखो बेटा जिहड़ा भी कोई दाणा भुन के बीजांगे उह कदे उगेगा नहीं। इस तरह कह रही है कि खबरे साडा की भुन के बीजिया सी जिहड़ा कि मेरे पुत्र दा विआह ही नहीं हो रहा। अके बारी वरी रूड़ी दी भी सुनी जांदी है कि इंसान दे मारे हालात सुनिया कि तब्दीली आउंदी है, पर साडी किसी औंतरे ने वीहां वरियां पिछों भी ना सुनी। पर कहिंदी मेरे ते हालात बदल ही नहीं रहे, लोकां दे सत सत पुत विआहे गए पर मेरा ते इक्को ही नहीं विआहिया जा रहा। परमात्मा नूं उलामे दिंदी है। ओके बेटा, ये पेज नंबर 8 तक साडी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। तुसी पेज नंबर 7-8 जो असी अज रीड किया है इसनों चंगी तरह रीड करना है दोबारा, ते नाल ही नैक्सट पेज नंबर 9-10 ते 11 दे वर्ड मीनिंग भी लिखने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।